Welcome back, students. This is the video for class 4, subject computer, chapter number 2, and this is your lecture number 13. In your last lecture, we learnt about microcomputer, which constitutes of desktop, laptops, palm tops, and tablets. In this video, we will start your mini computers and also see your mainframe computers. हमने आपके last video में देखा था microcomputer और microcomputer के जो type थे desktop, laptop, tablet ये हमने पढ़ा था और इस video में हम देखेंगे mini computers और mainframe computers. तो पहले स्टार्ट करते हैं मिनी कंप्यूटर से. तो मिनी कंप्यूटर्स आर मोर केपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी ज़्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है, वो आपके काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं. दे आर फास्टर एंड हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स. ये माइक्रो कंप्यूटर से, यानी आपके डेस्कटॉप से, आपके टैबलेट से ज़्यादा फास्ट काम करते हैं और साथ में इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, यानी जानकारी को रखने की क्षमता, वो ज़्यादा होती है किसके कंपेरिजन में, माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपेरिजन में. नाउ दीज कंप्यूटर्स आर यूज लेस दीज डेज. एग्जाम्पल्स आर PDP-11, K202, etc. Now, ये जो कंप्यूटर्स हैं वो आजकल कम इस्तेमाल होते हैं. किस वजह से? तो क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स मार्केट में बहुत आसानी से मिलते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो मिनी कंप्यूटर से सस्ता होता है. ठीक है, तो इस वजह से मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मार्केट में कम मिलते हैं. लेकिन इनके जो मेन एग्जाम्पल्स हैं वो है आपका PDP-11 और K202. ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जो मिनी कंप्यूटर्स में आते हैं. अब देख लेते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को. ठीक है, नाउ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मोर केपेबल कंप्यूटर्स. दे आर लार्जर इन साइज, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन मिनी कंप्यूटर्स. अब देखिए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं. ठीक है, लेकिन उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है उनके कंपैरिजन में. वो ज़्यादा तेज़ तो काम करते हैं, लेकिन बड़ा होने के साथ और तेज़ काम करने के साथ साथ वो मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा महंगे भी होते हैं. दीज आर मोस्टली यूज बाई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. देयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा नीड्स टू बी स्टोर्ड, सच एज बैंक्स, रेलवे स्टेशन, एट्सेट्रा. एग्जाम्पल्स आर ICL-39, IBM 4381, Hitachi Z80, IBM Z13, etc. अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्योंकि महंगे होते हैं तो इन्हें बड़े बड़ी संस्था ही रख सकती है, मतलब इस्तेमाल में लाती है, क्योंकि ये ज़्यादा महंगे होते हैं. तो और ये ऐसी जगह इस्तेमाल होते हैं जहाँ ज़्यादा चीज़ों को जमा करने की, स्टोर करने की ज़रूरत होती है, जैसे बैंक हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, फिर आपका कोई स्टेशन हो गया, जैसे न्यूज़ चैनल के स्टेशंस हो गए या रेडियो स्टेशंस हो गए, वैसी जगह हैं. ठीक है, इनके जो मेन एग्जांपल्स हैं वो हैं ICL-39 है, IBM 4381 है, Hitachi Z80 है, फिर IBM Z13 है. ठीक है, ये आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के कुछ और एग्जांपल हो गए. तो आपका सबसे सस्ता माइक्रो कंप्यूटर्स, मतलब जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं, आपके पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, टैबलेट, पाम टॉप, लैपटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर. उससे महंगा और तेज़ मिनी कंप्यूटर, जिसके एग्जांपल है PDP-11, K202, ये सब. और फिर उससे भी महंगे, बड़े और तेज़ काम करने वाले कंप्यूटर्स हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जिसके एग्जाम्पल हो गए ICL-39, IBM 4381, Hitachi Z80 और IBM Z13. ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही. आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.